हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेजेस स्टोरीज बाय हरीश। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि थाईलैंड का वीज़ा प्रोसेस है कैसा है और वो कब तक फ्री है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें थाईलैंड के वीज़ा प्रोसेस की, तो थाईलैंड का जो वीज़ा है वो हमेशा आपको ऑन अराइवल ही मिल पाएगा। तो आज तक, आज से पहले जब भी कोई थाईलैंड में अगर आप लैंड होते हैं या कोई भी घूमने जाता है, तो सबसे पहले उनको एक लंबी कतारों में लगना पड़ता है 2-3 घंटों की, जो अभी भी सेम है। लेकिन अभी अक्टूबर तक वो वीज़ा ऑन अराइवल फ्री हो चुका है। मतलब आपका जब वो पैसा लगने वाला था 2,000-3,000 रुपये, अब वो बच जाएगा, तो वहाँ कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, आपका वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। देखिए, नंबर वन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, आप एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रिपीट जो है एंड में करूँगा, तो एक बार आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो नंबर वन जो चीज़ है वो रहेगी आपका ट्रैवल अकोमोडेशन। मतलब आप अकोमोडेट कहाँ करेंगे, आप थाईलैंड में रहेंगे कहाँ, आपकी होटल की जो बुकिंग्स हैं उसका आपको रिसिप्ट दिखाना रहेगा वहाँ पर। तो ये नंबर वन डॉक्यूमेंट है जो प्रायर पर रहेगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाना रहेगा वो रहेगा आपका जो फ्लाइट आपने टिकट्स कराई हैं आने और जाने की, वो आपको वहाँ दिखानी रहेंगी। देखिए, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएंगी, हार्ड कॉपी भी चल जाएंगी, पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप हार्ड कॉपी फोटो कॉपी साथ में निकलवा के ले जाएं। तो ये दो चीज़ें तो मेन हैं। और तीसरी जो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जेब में, यानी आपके पास 10,000 baht। देखिए, बात जो है करेंसी है थाईलैंड की, तो 10,000 baht के इक्वलेंट अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, ये अपन कैसे इसको एस्टिमेट करेंगे। देखिए, 2 रुपये का जो करेंसी है यहाँ की, वो 1 baht वहाँ बन जाता है लगभग। आप अगर 20,000 रुपये यहाँ से ले जाएंगे किसी भी करेंसी में, वो 10,000 baht के इक्वलेंट हो जाएंगे। वैसे अगर आप इसमें डॉलर्स में कैलकुलेट करें, तो डॉलर्स में भी जैसे यहाँ का जो डॉलर रेट है वो 70 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन बिठा के 10,000 baht तक का अमाउंट आपको वहाँ दिखाना पड़ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूछें आपसे कि आपके पास है या नहीं, लेकिन आपके पास वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपये ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है एक ऐसे देश के अंदर जो यहाँ से काफ़ी दूर है, और वहाँ हम इंजॉय करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें थाईलैंड में, तो थाईलैंड में काफ़ी आइलैंड्स है, आइलैंड टू आइलैंड जाने के लिए आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहाँ पर क्राबी आइलैंड है, फीफी आइलैंड है, पटाया, इन सब के लिए ट्रैवल आपके एक्सपेंसिस इतने हो ही जाएंगे, तो इतना पैसा आप ज़रूर साथ में ले जाएँ। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नहीं भी ले जाएं तो वहाँ चल जाएगा, लेकिन आप लेके जाएं, वो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखिए, वीज़ा फॉर्म में पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लगता है आपका, तो अगर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो ले जाएं, नहीं है तो खिंचाएं। और आप नहीं लेके जाना चाहते तो आप वहाँ पर जाके भी खिंचा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं से ले जाएं, ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, आपका वहाँ पर टाइम बचे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी जैसे लैंड करेंगे ना, तो वहाँ आपको बहुत लंबी भीड़ दिखेगी वीज़ा ऑन अराइवल। जैसे इंडिया का वीज़ा फ्री है, चाइना का वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, 2-3 कंट्रियाँ कुछ ऐसी हैं जो आसपास की हैं, उनका वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, तो वहाँ लाइन बहुत लंबी मिलेगी। जब कोई फ्री होता है तो हम ऑब्वियसली वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको लाइन बहुत लंबी मिलेगी, तो उससे बच के रहें और अपनी चीज़ों का पहले ही ध्यान रखें। तो 4 जो है मेन डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स या पैसा, या आप इन चीज़ों का ध्यान रखें थाईलैंड में लैंड होने से पहले। 10,000 baht का जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई, वो आपको इंडिया में भी पूछी जा सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए चीज़ें कि 10,000 baht यानी 20,000 रुपये का इंतजाम आप जरूर करके जाएं वहाँ पे। आप ऑब्वियसली बातें जाएंगे तो करके जाएंगे, उस तक इंडिया से जो भी एयरलाइंस है वो आपसे पूछ लें कि हम आपको तभी बोर्ड कर तभी बैठने देंगे कि आपके पास अगर 10,000 baht का अमाउंट है तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको स्मूथली आपका प्रोसेस करवा देंगी। बाकी अगर बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है यार, वहाँ पे घूमने की काफ़ी शानदार जगह है। मतलब नेचर की ब्यूटी आपको वहीं देखने को मिलेगी। लाइक वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो एकदम पायस आइलैंड है, प्योर आइलैंड्स जो कहते हैं ना, वो हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ जाइए थाईलैंड, घूमिए, अक्टूबर तक फ्री है वीज़ा, तो चांस है आपके पास फ्री में थाईलैंड घूमने का। फ्री में तो क्या, वीज़ा ऑन अराइवल पैसा वो बच जाएगा आपका, और थोड़ा सा हैसल फ्री प्रोसेस हो गया पहले से। अब क्वेश्चन है ना, थाईलैंड वीज़ा से या जापान वीज़ा का बनाया था मैंने, दुबई वीज़ा का बनाया था, किसी भी कंट्री की वीज़ा रिलेटेड, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ, और मैं ऐसे वीज़ा के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और अगर अपन बात करें वीडियो की, मेरे इन वीडियो की कंसिस्टेंसी की, थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि मेरा जॉब का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो आज भी मैं 9 दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो
तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने सवाल प्लीज डालिए कमेंट बॉक्स में। बस कई सवाल आते हैं कि सर मेरी वीजा पेमेंट की फीस नहीं हो रही, सर मेरे वीजा अप्लाई नहीं हो रहा। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो कोई देख रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और उसे समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए कि आपको समझ आया या समझ नहीं आया, ताकि मैं इससे बेटर वीडियोज बना पाऊँ। तो तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मुझे मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए बाय।